हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट बैंक। तो फ्रेंड, आज जो हमने बनाया है 3055 का एम्पलीफायर का सर्किट बोर्ड कॉपी किया है। तो ये हमारा जीरो साइज पीसीबी में मैं इसको डिजाइन किया है और इसको बनाया है, और इसका गड़बड़ फाइल भी मैंने डिजाइन कर लिया, जो कि एक लेआउट पीसीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपना खुद का पीसीबी बनवा सकते हैं किसी भी कंपनी से, पीसीबी मैन्युफैक्चर कंपनी से। तो चलिए फ्रेंड, इसका जो सर्किट डायग्राम है सारा चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में आपको साउंड टेस्ट करके दिखाएंगे कैसा इसका साउंड आ रहा है डिज़ाइन में, और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है, ज़्यादा नहीं, एक मॉडिफिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिससे आवाज़ अब मोटा या तगड़ी आवाज़ इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने चार चार ट्रांजिस्टर लगा कर रखे थे, लेकिन दो ही ट्रांजिस्टर में भी काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो चार ट्रांजिस्टर लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक चैनल में दो ट्रांजिस्टर लगती है, तो इसमें चार लगाने की ज़रूरत नहीं, दो ही ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। 3055 का नीचे बोर्ड रखा हुआ है, ऊपर में हमने कॉपी किया है, और इसी का बेस्ट ट्रेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अलग से कोई बेस्ट ट्रेबल यूज करते थे, अगर अच्छा खासा बेस्ट ट्रेबल या 3 IC या कोई अलग टाइप का है, तब जाके आपका अच्छा क्वालिटी का ऑडियो इस बोर्ड से मिल पाएगा, नहीं तो कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम आ सकती है। इस बोर्ड में बेस्ट ट्रेबल वही मैच हो पाएगा, तो मैं इस बोर्ड का भी मैच वाली बेस्ट ट्रेबल बनाऊंगा, वो तो बाद में, फिलहाल मैं इसका मैं बना के दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं अभी आपको साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो आप साउंड टेस्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो में सर्किट डायग्राम और इसके बारे में सारा डिटेल आपको दूँगा, और सर्किट डायग्राम भी आपको दूँगा। तो चलिए पहले साउंड टेस्ट देख लीजिए। हेलो गाइस, आप ही के लिए हमने यहाँ पे कॉपीराइट सॉन्ग को प्ले किया, ताकि आप इस साउंड को अच्छे तरीके से सुन पाएँ और क्वालिटी चेक कर पाएँ। और चलिए मैं यहाँ पे BD-139 और 140 और 3055 और 548 और 558 का ट्रांजिस्टर, 558 इतना ही इसमें ट्रांजिस्टर लगी हुई है, और कैपेसिटर 1 VF या 47 VF का कैपेसिटर लगा हुआ, जो कि सारा सर्किट डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, वो आप सर्किट डायग्राम समझ लीजिएगा। तो ये छोटा सा जीरो साइज पीसीबी में अभी जिली आप अपने होममेड में इसको तैयार कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा नहीं आती है। ये VD-139 ये सब जो है कभी काल ख़राब होती है, और पीसीबी इसका गड़बड़ फाइल भी हमने बना कर रखा, वो गड़बड़ फाइल भी आपको दे दूँगा, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। गड़बड़ फाइल से पीसीबी जो हमारा बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन में हमने तैयार किया है, जो कि इजीली आप इसको बना सकते हैं। गड़बड़ फाइल से आप किसी भी कंपनी से पीसीबी डिज़ाइन, मतलब आप पीसीबी को बनवा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं सर्किट डायग्राम किस तरह से हमारा जो ये काम करेगा। ये सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ बता देते हैं, जिससे कि बिजली इस एम्पलीफायर बोर्ड को आप अपने घर पर बना पाएंगे।
तो चलिए मैं डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा 30-55 ट्रांजिस्टर यहाँ पर चार लगा के रखा था, लेकिन कोई मुझे अंतर देखने को नहीं मिला। और इस बोर्ड में 30-55 ट्रांजिस्टर के अलावा दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो आपको आवाज़ जो क्वालिटी है वो सही नहीं मिलने वाली है, टक्कर वाली आवाज़ नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर 30-55 का ही ट्रांजिस्टर यूज करें मैं जहाँ तक देखा, और बहुत मॉडिफिकेशन करके देख लिया। 5200 का भी बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें लगा लो, तो वो कोई काम का नहीं है फ्रेंड। तो चलिए पहले सर्किट डायग्राम को आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड ये हमारा 30-55 का डायग्राम है पूरा, ये सर्किट डायग्राम है। तो चलिए सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ, जो कि आप इजीली इसको बना पाओगे। इसी डायग्राम से मैं प्रैक्टिकल बनाया जिसका वीडियो मैं अभी टेस्ट करके आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा 139 और 140 और 548 और 558 का जो ट्रांजिस्टर है ये ज़रूरत पड़ेगा, और 30-55 का ट्रांजिस्टर। बाकी इसमें रेजिस्टेंस सब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने मेंशन करके रखा है, ये रेजिस्टेंस आपको इसमें फिल करना डायग्राम के अनुसार। यहाँ पे मैंने मेंशन किया CBE कलेक्टर बेस ईमीटर, कलेक्टर बेस ईमीटर। ये हमारा स्पीकर का आउटलाइन है जो कि 2.2 ओम ये आपस में जुड़ेगा, और ये बीच वाले जो पॉइंट बनेगा ये हमारा स्पीकर लाइन, और यहाँ पे ई मीटर चल जाएगा, इसमें से ई कलेक्टर चल जाएगा। फिर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि BD140 का ए वाली पिन में, इसका BD140 लिखेंगे नेट में तो इसका पिन आउट मिल जाएगा कौन सा कहाँ पर लगेगी पिन नंबर, तो आप अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 ओम का इस वाले पिन में जुड़ेगा, और यहाँ पे 1K का ये कलेक्टर वाली पिन में जुड़ेगा, और ये 139 का ये वाली पिन इसमें जुड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा पॉजिटिव लाइन है और ये हमारा नेगेटिव लाइन है। ये पॉजिटिव लाइन में ये वाली पिन जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से मुझे एक पिन और आउटपुट मिलेगा, ये आउट लाइन यहाँ पर ये वाले 548 का ये वाली पिन में जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये 100 ओम के साथ इसमें से आकर जुड़ गया। उसके बाद फ्रेंड 1.5K का ये वाली पॉइंट यहाँ से आके और 4.7 हुआ 50 वोल्ट या 63 वोल्ट ये स्पीकर वाले लाइन के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड 3.7K का ये वाले जो 100 ओम के बाद ये अर्थात बोल सकते हैं 548 का ये वाली पिन में जुड़ जाएगा जो कि 3.7K का। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 10 ओम का तो हमने कनेक्शन कर लिया था, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 548 के वाले पिन यहाँ से 100 ओम और इसका बीच वाले पिन में जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड इसका जो लास्ट वाली पिन है ये बी कलेक्टर बन गया, और यहाँ से ये 1K का रेजिस्टेंस से ये नेगेटिव में जुड़ गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ तक तो कनेक्शन हो गया आपका फ्रेंड। यहाँ पर फिर ये हमारा लाइन आया 3.3K का, ये यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद फ्रेंड ये जो है एक डायोड है 4007 नंबर का, इसका जो ये पॉजिटिव है इधर से पॉजिटिव, ये जो लकीर है ये अपना देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे जोड़ देंगे ये वाली पिन में। उसके बाद फ्रेंड ये 100 ओम के साथ या इस आईसी का पिन का इस साइड में जुड़ जाएगा ये वाली पिन में। उसके बाद ये वाली पिन जो निकल रहा है ये हमारा नेगेटिव में जुड़ जाएगा। फिर ये बीच वाली जो पिन है इसका ये 1K का ये इसके साथ जुड़ जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद फ्रेंड ये दोनों पिन के बीच में यहाँ पे 22 NF का कैपेसिटर लगा सकते हैं या 100 नंबर का PF कैपेसिटर लगा सकते हैं। जितना भी यहाँ चेंज करेंगे आवाज़ आपका चेंज होगा, ये आपका खासियत यहाँ पे रहने वाली है, जैसा लगाएंगे वैसा आवाज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे 15K का रेजिस्टेंस, तो फ्रेंड ये 15K का रेजिस्टेंस जो है आपको ये यहाँ पर जाएगा 558 में, ये लास्ट वाले ट्रांजिस्टर में 15K का स्पीकर लाइन से। उसके बाद ये वाली पिन से 150 ओम 47 ओम का यहाँ पे ग्राउंड में जाएगा, ये ग्राउंड वाला पिन में जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये पॉजिटिव नेगेटिव लाइन ये वाले पिन में गया। उसके बाद फ्रेंड इसका जो बेस या बोल सकते हैं बीच वाली पॉइंट जो कि आप देख लीजिएगा पिन आउट, उसके बाद फ्रेंड ये वाली इसका ए वाली पिन में चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये आउट लाइन जो है इसके साथ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये वाली जो पिन है ये यहाँ पे 15K से यहाँ पे GND कर देंगे, और 104 नंबर PF से यहाँ पे इनपुट इन कर सकते हैं, अर्थात ये वाली IC का ये बीच वाली पिन। उसके बाद फ्रेंड ये जो लाइन है ये लाइन 3.3K ये आपका पॉजिटिव,
ये वाली लाइन पॉजिटिव के साथ ग्राउंड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 47 वेव का ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट का यहाँ नेगेटिव के साथ ग्राउंड कर देंगे GND। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड और लगाएंगे, चार यहाँ पे डायोड लगेगा फ्रेंड, जीना डायोड। यहाँ पे एक नॉर्मल डायोड लग गया, यहाँ पे जीना डायोड लगाएंगे जो कि 12 वोल्ट का जीना डायोड है, जो कि वीडियो में आपको दिखाएंगे किस जगह पर वो जीना डायोड आपका लगेगा। और यहाँ पे पावर सप्लाई हो गया, ये हमारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया ग्राउंड। यहाँ पे 104 नंबर का इससे 10 ओम से ग्राउंड कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ये डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए डायग्राम ले सकते हैं, डायग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिसको गड़बड़ फाइल चाहिए वो गड़बड़ फाइल भी आपको मिलेगा, उसके लिए पैसा कुछ कॉस्ट लगेगा आपको। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं इसका जो PCB है वो कैसा है। तो फ्रेंड ये हमारा 3055 का पूरा पूरी PCB का डिज़ाइन है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा हुआ जो हमने आपको बताया, और यहाँ पे एक PF लगी हुई है, और 104 नंबर से ग्राउंड किया हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगी हुई है। यहाँ पे GND और 20 माइनस और 20 प्लस इधर का जो है ये पॉजिटिव लाइन है फ्रेंड। अगर ये गलती होता है तो इसको आपस में चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे फ्रेंड जीनर डायोड है, और एक डायोड या और यहाँ पे लगा हुआ एक नॉर्मल डायोड है। तो यहाँ पे आप जीनर डायोड यूज करेंगे 12 वोल्ट का, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है सेम ऐसे लगेगा, 12 वोल्ट का जीनर डायोड है। और यहाँ पर नॉर्मल डायोड 4007 नंबर का, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर सिंपल सा फील होगा। इसका सेकेंड डिजाइन लेआउट है ये कुछ इस तरह से, पीछे साइड में आपको प्रिंटेड मिलेगा, यहाँ से ये स्पीकर लाइन और इस वाले ग्राउंड से स्पीकर लाइन ले सकते हैं। और इनपुट जो है फ्रेंड यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से इनपुट देके आप बिजली इस बोर्ड को चला सकते हैं फ्रेंड।